Good morning, guys. Good morning from Srinagar. Right now, it's 6:25 in the morning. आज का हमारा ट्रिप का प्लान है श्रीनगर टू ले थ्रू जोजिला पास कारगिल होके जाएंगे. टोटल रूट आज कवर करने वाले हैं 421 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर टू ले. और एज पर गूगल टाइम दिखा रहा है 10 घंटे और 12 मिनट का. और अभी टाइम हुआ है 6:26. तो अभी रेडी हो गया मैं और लड़का लोगों का भी बाइक थोड़ा पैकिंग करना है. तो यहाँ से जाने के टाइम में ऑलमोस्ट 7 हो जाएगा. तो फिर आज का इस ट्रिप को शुरू करते हैं. वेदर जो है वो भी अच्छा है. अभी आज बारिश नहीं देखा. वेदर प्रिडिक्शन भी देख लिया था, उसमें बारिश का नहीं दिखा रहा था. तो होप कि बारिश नहीं होगा. तो हमारा सिक्किम से सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उसको कनेक्ट करने के लिए जो हाईवे है वो है NH10. और अभी हम हैं NH1, नेशनल हाईवे 1 पर. ये भी एक अलग एहसास है. नेशनल हाईवे 1 पे मैं हम लोग चला रहे हैं 3 बाइक सिक्किम से. लेकिन हाईवे थोड़ा छोटा है कंपेयर टू अदर रूट्स. 4 लेन रास्ता तो है यहाँ पर, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, थोड़ा कंजेस्टेड टाइप का है. NH1 बहुत ही अच्छा लग रहा है NH1 पे चलाते हुए. तो अब आज हमारा राइड पूरा पहाड़ों पे होगा. जोजिला पास, कश्मीर नॉट जो क्या जोजिला पास, कारगिल और द्रास होते हुए आज हम जाएंगे ले. और ले पहुँचते हमको शायद 5 से 6 घंटा बज जाएगा, 5 से 6, क्योंकि रास्ते में बहुत सारा टूरिज्म प्लेस है, वहाँ पर भी एक्सप्लोर करेंगे. देखते हैं क्या होता है, कितना टाइम लगता है. अभी के लिए चलते हैं भाई. तो अभी सोनमार्ग पहुँचने वाला है. 13 किलोमीटर है सोनमार्ग के लिए. और यहाँ पर बहुत ठंड है. जैसे श्रीनगर से आने के टाइम में हम लोगों ने इनर थर्मल पहन लिया, इसके वजह से वही अच्छा डिसीजन रहा आज का. क्योंकि इनर थर्मल पहनने के बाद भी ठंड लग रहा है थोड़ा. और अभी सितंबर का महीना है और सितंबर मंथ में ही ऐसा ठंड है, तो बाद में तो आप पूछे मत कितना ठंड रहेगा. सो वेलकम टू सोनमार्ग. नज़ारा बहुत बढ़िया है इधर का, बड़ा बड़ा पहाड़. विंटर में बहुत ठंड होता है इधर, अभी इतना ठंड है इधर. मोटा वाला ग्लव्स पहना हूँ, वाटरप्रूफ विंडप्रूफ डिकैथलॉन से लिया मैंने. बहुत ठंड है इधर. और टाइम अभी हुआ 8:25. हम लोग रुके इधर ब्रेकफास्ट करने के लिए सोनमार्ग में, सोनमार्ग मार्केट में. मार्केट कुछ इस टाइप पे इधर, लेकिन बहुत ठंडा है इधर. बाइक इधर रोक के रखा है. ठीक है सर अलग ही सफर. अभी 9 बज गया. सो वी आर मूविंग फ्रॉम सोनमार्ग एंड फ्यूल अप भी करवाना है. जाके कराएंगे. 40 किलोमीटर पर आदि मिलेगा आपको
फ्यूल पंप, लेकिन एक किलोमीटर बाद आपको ऐसे खुले में भी दुकानों पे पेट्रोल पंप पेट्रोल मिल जाता है ऐसे सुना है। तो लेट्स सी, थोड़ा रिस्की वाला है, थोड़ा रफ है और थोड़ा पहाड़ के ऊपर है, नीचे बहुत बड़ा ढलान है और रोड साइड में कोई बैरिकेड भी नहीं। अगर गिर गया तो सीधा रिवर पे पहुंच जाएंगे। बहुत ही बड़ा पहाड़ है और उसके ऊपर रोड है और वहाँ पर गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है, शायद हम लोगों को भी उधर ही जाना पड़ेगा। शायद ये होगा जोजिला पास और पहाड़ के काफ़ी ऊपर आ गए हम लोग। ठंड भी बहुत है और नीचे बहुत बड़ा खाई है। टनल है क्या है, अरे यहाँ पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघल के पानी आ रहा है ऊपर से, लेकिन ऐसे जगह में जल्द ज़्यादा नहीं रुकेंगे, निकलना पड़ेगा। तो अभी पहुँच गए हम तो जोजिला पास। जोजिला पास का नज़ारा कुछ ऐसा है और हम लोग पूरा वो रास्ते होके आए ऊपर चढ़ाई करके यहाँ तक और पहुँच गया जोजिला। अल्लाह दोस्त लोग फोटोग्राफ ले रहे, और वो रहा अपना बाइक, दो दो जेरिकेन है लेकिन बाइक में फ्यूल एम्प्टी हो गया, जेरिकेन में भी फ्यूल नहीं है। लैंडस्लाइड वाला एरिया है यहाँ पर, पूरा ऊपर से पत्थर गिरने वाला एरिया है। अब यही डेंजरस पास को बोलते हैं जोजिला पास। अब निकलते हैं इधर से, जोजिला पास क्रॉस करते ही बारिश होना शुरू हो गया। धीरे धीरे बारिश हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, हल्का सा बारिश होना शुरू हो गया। तो फिर से रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा, कैमरा को अंदर डालना पड़ेगा और रेनकोट पहनना पड़ेगा मे बी। और अभी है हम 11,649 फीट जोजिला ले के लिए। अभी भी जाना है 326 किलोमीटर, कारगिल 96 किलोमीटर। अभी 20 किलोमीटर बाद मिलेगा पेट्रोल पंप, फ्यूल का थोड़ा कम ही है लेकिन चल जाना चाहिए वहाँ तक, क्योंकि 84 किलोमीटर का रेंज दे देता है रिजर्व में, लेकिन यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड है, पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा कम दे देता है। पहाड़ों में तो शायद बारिश हो रहा है ऊपर, तो बढ़िया मौसम है भाई, बढ़िया। तो एंट्री करना है यहाँ पर कारगिल पुलिस, एंट्री करके निकलते हैं। तो एंट्री जो था वो कर लिया। एंट्री में आपका नंबर, आपका नाम नंबर और बाइक का नंबर लिखना है बस। और ये कश्मीर चेक पोस्ट से, कारगिल चेक पोस्ट से पेट्रोल पंप पड़ेगा 5 किलोमीटर,
तो सबसे पहले फ्यूल अप करवाना है। दोस्त लोग तो एकदम बुलेट की तरह उड़ गया है, लेकिन बाइक तो मेरा है बुलेट। ये लोग उड़ गया भाई, वाओ बहुत ही बढ़िया नज़ारा। 100 की स्पीड में पूरा भगा दिया सीधा रास्ते में। वहाँ पर एक बस्ती है बढ़िया सा, शायद उधर पेट्रोल पंप हो सकता है, लेकिन 5 किलोमीटर तो हम ट्रैवल नहीं किए हैं। ये है ट्रायम्फ 400। चेक पोस्ट से बोल रहा था 5 किलोमीटर बाद पेट्रोल मिलेगा, लेकिन 5 किलोमीटर ज़्यादा ही चलने के बाद हमको मिला पेट्रोल पंप। तो यहाँ पर फ्यूल अप करवाएंगे, उसके बाद ही जर्नी कंटिन्यू। और अभी 11 बजने वाले हैं और हम पहुंच गए पांद्रास, और यहीं पर है पेट्रोल पंप। सोनमार्ग में है एक पेट्रोल पंप, सोनमार्ग पहुंचने से पहले, और उसके बाद डायरेक्टली यहां पर है पांद्रास में, और इसके बाद द्रास में एक है लेकिन वो अभी रिपेयरिंग हो रहा है, और एक कारगिल में है। कारगिल यहाँ से ऑलमोस्ट 70 to 80 किलोमीटर्स का है। तो पांद्रास में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। अभी हम तीनों बाइक में पूरा फ्यूल अप करवा लिया, फुल टैंक। आप यहाँ से निकलेंगे, एप्पल भी खाएंगे, द्रास में अगर खाना रखो कारगिल कारगिल पुगने रहे सर। तो अभी कारगिल में जाके लंच करेंगे, सोनमार्ग में ब्रेकफास्ट, कारगिल में लंच और लैंडिंग ले। कारगिल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 किलोमीटर, नहीं 20 मिनट, 15-20 किलोमीटर होगा कारगिल। उससे पहले द्रास पहुँचेंगे, ठंड बहुत है भाई, शीशे को लगा देता हूँ। अभी पहुंची है विलेज सिमसा। सिमसा के बगल में ही है, लेफ्ट साइड में पड़ता है फिर से रिवर। मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसी डायरेक्शन पे रिवर फ्लो हो रहा है, और ये रिवर झेलम है या कौन सा रिवर है मुझे नहीं मालूम भाई। और अभी लगता है कि दो पहाड़ियों के बीच से निकलना पड़ेगा हम लोगों को। अभी तक तो एकदम मैदानी इलाका से निकल रहा था, अब लगता है कि पहाड़ों के बीच से निकलना है। यहाँ पर बहुत सारा जगह ऐसे है जहाँ पर लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो बोट भी लगा है उस एरिया पे। तो वैसे एरिया में बहुत सावधानी से चलाना है, जल्दी से क्रॉस करना ही प्रेफर करता हूँ मैं। राइट नाउ टाइम इज 1:19, और हम क्रॉस करने वाला है कारगिल, और ये नीचे का पूरा एरिया जो दिख रहा है कारगिल, बहुत ही बड़ा एरिया है यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक है। और अभी हमारा बाइक इधर स्टॉप कर लिया है, गर्मी हो गया अभी धूप के वजह से, तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। अभी टाइम 2 बजने वाले हैं और निकल रहे हैं कारगिल से। अभी भी 200 किलोमीटर कवर करना है मुझको। थोड़ी देर के लिए बारिश हुआ, यहाँ पर बारिश नहीं है, यहाँ पर धूप लगा है, लेकिन यहाँ पर भी बारिश हुआ था क्योंकि रोड थोड़ा गीला है, रोड में थोड़ा थोड़ा पानी है, और आगे बढ़िया सा धूप लगा है। और अभी चंबा बोल के जगह क्रॉस किया, और उसके बाद तो बड़ा बड़ा सैंड ड्यून्स जैसा है, इधर सैंड ड्यून्स जैसा है बड़ा बड़ा, ऑलमोस्ट
गाड़ी में हिट कर दिया मैंने। अब भी हम लोग जा रहे हैं, ये जो नंगा पहाड़ है ये अब तक क्रॉस नहीं किया है, अभी भी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर जैसे जाना है, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा। और टाइम अभी कितना हुआ है वो भी नहीं पता। बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप है यहाँ पर, और मेरा एसडी कार्ड फुल होने वाला है ये वीडियोग्राफी करते करते। आज एसडी कार्ड फुल हो जाएगा लेकिन ये सीनिक ब्यूटी ख़त्म नहीं होगा। जितना राइडिंग करेंगे उतना ही अच्छा अच्छा लैंडस्केप देखने को मिलता है इसमें। और अभी यहाँ पर टी ब्रेक के लिए रुका हूँ, टाइम हुआ है 4:45, और अभी भी डिस्टेंस कवर करना है 100 किलोमीटर। 2 घंटा 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा है गूगल। और यह टी पॉइंट का जगह यहाँ पर है, एक ही रेस्टोरेंट है, और यहाँ से नीचे कुछ इस टाइप का है लोकेशन। वहाँ पर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है और एक छोटा सा गांव है, लेकिन ये गांव का नाम भी मुझे नहीं पता। होटल वोटल भी मिल जाता है इधर, इधर रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर विलेज में, हर गांव में एक एक होम स्टे बहुत सारा है, लग्जरीज भी है, अफोर्डेबल और बजट होटल भी मिल जाता है इधर। लेकिन पेट्रोल पंप नहीं मिला अब तक, हमने लास्ट पेट्रोल पंप कारगिल में मिला था। कारगिल के बाद इधर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिला अब तक, तभी देखते हैं आगे पेट्रोल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो भी ठीक है, रहना पड़ेगा। तो अभी चाय लेते हैं, दोस्त लोग चाय ले रहा है, तो चाय पी के फिर कंटिन्यू करेंगे। Time right now it's 6 o'clock and still on the way. There's still 80 kilometers to cover. And time right now it's 6:58 and still 15 minutes left. 39 kilometers to cover. Raat ho gaya. Aur thand bhi badhne lag gaya. So time right now it's 7:10 and we have reached Magnetic Hill, altitude 11,123 feet. Oh, globes are your globes? Oi, globes. So finally it's 7:42 aur hum log pahunch gaye Leh Ladakh. लेह सिटी में पहुंच गए और अभी हमको जाना है होटल। तो 8:10 हो गया और 8:10 में हम लोग होटल पहुंच गया। बाइक सेफ है इधर। और गेस्ट हाउस का नाम है तंगस्टॉट गेस्ट हाउस, तो यहीं पर रुकेंगे आज।